आज हम कर रहे हैं अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर। सांवले सपनों की याद। पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? उत्तर है, सालिम अली के बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से एक नीले कंठ वाली गोरैया घायल होकर नीचे गिर पड़ी थी। इस घटना से बालक सालिम अली का मन अत्यंत व्याकुल हो उठा था। इस घटना के कारण ही वे आजीवन प्रकृति के विविध रूपों को खोजते रहे। वे प्रकृति के महान प्रेमी बन गए थे। उनकी इस महान प्रवृत्ति के पीछे गोरैया के घायल होने की घटना ही काम करती रही। दूसरा प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? श्री सालिम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे। उन्होंने बताया होगा कि रेगिस्तानी हवाओं के कारण केरल की हरी भरी एकांत घाटी नष्ट हो जाएगी, वहां का वातावरण शुष्क हो जाएगा। रेगिस्तानी हवाएं अपने साथ रेत के कण लेकर आएंगी और वहां शुद्ध पर्यावरण को दूषित कर देंगी, जिसका प्रभाव वहां की वनस्पति व जंगली पशु पक्षियों पर भी अवश्य पड़ेगा। वहां की धरती बंजर होने का खतरा हो जाएगा। इन सब संभावित खतरों को सुनकर के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की आंखें नम हो गई थी। प्रश्न 3, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? उत्तर है, लॉरेंस एक महान प्रकृति प्रेमी थे। उनकी मृत्यु के पश्चात लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के विषय में कुछ लिखे। वह चाहती तो अपने पति के बारे में बहुत कुछ लिख सकती थी, किंतु उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। हाँ, मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है और मुझसे भी ज़्यादा जानती है। उसने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि श्री लॉरेंस प्रतिदिन बहुत सा समय गोरैया के साथ बिताते होंगे या गोरैया उन्हें काम करते देखती रहती होगी। कहने का भाव यह है कि श्री लॉरेंस पक्षियों की संगति में रहते होंगे। प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर है, श्री जाबिर हुसैन भाषा के मर्मज्ञ थे। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी की तीनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। प्रस्तुत पाठ के आधार पर उनकी भाषा शैली की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली है, भाषा सरल, सहज और व्यवहारिक है। दूसरी है, तद्भव, तत्सम उर्दू व अंग्रेजी शब्दों के सफल एवं सार्थक प्रयोग के कारण भाषा व्यवहारिक और रोचक बन पड़ी है। तीसरी विशेषता है, श्री जाबिर हुसैन की भाषा चित्रात्मक है। वे शब्दों के माध्यम से सजीव व्यक्ति चित्र अंकित करने की कला में बेजोड़ हैं। चौथी उनकी विशेषता है, भाषा में भावात्मकता एवं हृदय को स्पष्ट करने की पूर्ण क्षमता है। प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए।
उत्तर है, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया कि सालिम अली का जीवन अत्यंत सरल, सहज एवं स्वाभाविक था। वे प्रकृति के और उसके विभिन्न अवयवों को उनकी मूल प्रवृत्ति के रूप में देखते थे। उपयोगितावाद के वे बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। वे सदा पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनकर प्रसन्नता का अनुभव करते थे। उनका जीवन अत्यंत संघर्षों में से गुजरा था। उनका शरीर अत्यंत दुबला पतला एवं कमजोर हो गया था और अंत में वो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के शिकार हो गए थे। वे अपने जीवन की अंतिम सांसों तक पक्षियों की नई नई जातियों की खोज और उनकी देखभाल के कर्तव्य को निभाते रहे। प्रकृति उनके लिए एक हंसती खेलती फैली हुई रहस्यमय दुनिया है। सालिम अली अनुभवशील व्यक्ति थे। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर केरल की एकांत घाटी को रेगिस्तानी हवाओं के दुष्परिणाम से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने एक प्रस्ताव रखा था, जिसे सुनकर वे बहुत ही प्रभावित हुए थे। उनका जीवन लॉरेंस की भांति ही प्राकृतिक एवं नैसर्गिक था। उनको प्रकृति की दुनिया के विषय में अथाह ज्ञान था। वे घुमक्कड़ स्वभाव के इंसान थे। प्रश्न है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, सांवले सपनों की याद शीर्षक उचित प्रतीत होता है, क्योंकि लेखक ने यह संस्मरण सालिम अली साहेब की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा था। लेखक ने उनकी मृत्यु से उत्पन्न दुख व अवसाद को सांवले सपनों के रूप में बताया है। दुख कभी सुनहरा नहीं हो सकता, इसलिए उसे सांवला सपना कहना ही उचित लगा। संपूर्ण पाठ में लेखक ने सालिम अली साहेब की मृत्यु से जो दुख उत्पन्न हुआ है, उन्होंने जो विभिन्न कार्य किए हैं और उनकी जो विशेषताएं हैं उनको याद किया है। इसलिए कहा जा सकता है कि इस पाठ का शीर्षक सांवले सपनों की याद सार्थक है। लेखक पाठ के मूल लक्षित भाव को अभिव्यक्त करने में सफल रहा है। प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? उत्तर, निश्चय ही प्रस्तुत पाठ में श्री सालिम अली साहेब की पर्यावरण के प्रति चिंता व्यक्त हुई है। वे चाहते थे कि पर्यावरण की सुरक्षा हर हाल में होनी चाहिए। हम भी अपने आसपास वृक्ष उगाएं, उगे हुए वृक्षों की देखभाल करें और पर्यावरण की सुरक्षा में अपना योगदान दें। अपने छोटे छोटे कामों के लिए मोटरसाइकिल या स्कूटर का प्रयोग ना करके साइकिल का प्रयोग करके हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। अपने घर के आसपास सफाई रखकर भी पर्यावरण बचाने के लिए सहयोग दे सकते हैं। इसी प्रकार अपने साथ साथ दूसरों को भी पर्यावरण बचाने के लिए प्रेरित करके हम इस शुभ कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं।